हेलो एवरीवन, दिस इज जतिन मल्होत्रा एंड वेलकम टू मल्होत्रा हेयर प्लेसमेंट। आज हमारे साथ पवन जी हैं नजफगढ़ से। पवन जी हमारी 1.5-2 महीने से वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे एंड फाइनली आज हमारे पास आ चुके हैं अपना पैच लगवाने। आप इनकी हेयर लॉस की कंडीशन देख सकते हैं, हेयर लाइन भी कितनी वीक हो गई है और बीच से और क्राउन एरिया से भी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हल्की हो गई है। बाकी पवन जी से एक बार पूछ लेते हैं कि क्या उनकी हेयर लॉस जर्नी रही और उन्होंने क्या चीज़ें यूज़ करी या क्या प्रोडक्ट्स या कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट लेने का सोचा पैच लगवाने से पहले। सो पवन जी हमारी यूट्यूब ऑडियंस के साथ शेयर करिए। जी नमस्कार सर। सर मैं अब नजफगढ़ से हूँ। मैं करीब डेढ़ दो महीने से इनकी वीडियो देख रहा था। ठीक है, पहले तो मैं इसमें मिनोक्सिडिल यूज़ करता था बालों के झड़ने को रोकने के लिए, बट उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क मुझे दिखा नहीं। ठीक है, तो दैन फिर मैं 1.5-2 महीने से इनकी वीडियो फॉलो भी कर रहा था, तो मैं देख रहा था, तो इसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मिनोक्सिडिल काम वर्क नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मैंने फिर इनके शॉप पे आया और फिर मैं अब इनकी पैच लगाने वाला हूँ। कोई बात नहीं सर, बिल्कुल पवन जी को आज हम यहाँ से बढ़िया गेटअप देके भेजेंगे, सो आप वीडियो में बने रहें। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने सर के लिए जो पैच फिक्सिंग का एरिया है वो क्रिएट कर दिया है। कुछ कॉमन साइजेस होते हैं जैसे 7x5, 8x6, 9x6, 9x7, 10x7 और 10x8, ये कॉमन साइजेस होते हैं पैच के। और हमने जो सर का क्रिएट किया है एरिया वो 8x6 के अकॉर्डिंग क्रिएट किया है। पहला प्रोडक्ट फिक्सिंग से पहले लगाया जाता है वो है स्कैल्प प्रोटेक्टर। इसका काम क्या होता है, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पैच लगाने से इचिंग तो नहीं होगी या कुछ इरिटेशन तो नहीं होगी, तो ये एंटी इचिंग और एंटी बैक्टीरियल होता है जो फिक्सिंग से पहले लगाया जाता है ताकि आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे। सो गाइज आप देख सकते हैं सर की हेयरलाइन मैप हो रही है। यूजुअली 4 फिंगर्स का गैप रहता है आईब्रोज और फोरहेड के बीच। बहुत लोगों का माथा छोटा भी होता है या कोई अपनी मर्जी से 3-3.5 फिंगर्स पे भी रखता है हेयरलाइन। बाकी जो जहाँ से आपका सॉफ्ट टिश्यू स्कैल्प का, जहाँ से आपकी नेचुरल ग्रोथ स्टार्ट हो रही है, पैच वहीं लगाना चाहिए ताकि आपका जो लुक है वो नेचुरल आए। एंड गाइस कमेंट में मेरे को एक डाउट बहुत देखने के लिए मिलता है कि जो आप एडहेसिव अप्लाई करते हैं उसका हमारी स्किन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? तो ये स्किन फ्रेंडली और डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड एडहेसिव होता है। आप, मैं लिंक डाल देता हूँ नीचे, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो ये स्किन फ्रेंडली प्रोडक्ट है, आपके हर सर्विस में यही प्रोडक्ट अप्लाई होना है, तो आपका इसके स्किन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे क्लाइंट हैं 5-5, 10-10 साल से पैच यूज़ कर रहे हैं और आज तक हमने कोई साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं है इसका। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने सर के लिए एडहेसिव अप्लाई कर दिया है। जो एडहेसिव है वो सिर्फ पेरीमीटर एरिया में ही अप्लाई किया जाता है, पूरे स्कैल्प पे अप्लाई नहीं किया जाता, क्योंकि पैच में क्या होता है, बीच के एरिया में नेट होती है ताकि आपका वेंटिलेशन मेंटेन रहे, एयर और वाटर का फ्लो आपका मेंटेन रहे और आपकी स्किन पे किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब पैचेस में भी क्या होता है, जैसे जो अच्छी क्वालिटी के पैचेस होते हैं उसमें नेट का फ़र्क आता है, नेट उसकी जितनी महंगा पैच होगा उसकी उतनी नेट पतली होती जाती है ताकि आपका कंफर्ट लेवल इम्प्रूव हो, लुक नेचुरल आए और आपका वेंटिलेशन भी इम्प्रूव हो। Thank you.
देख सकते हैं हमने पवन जी का लुक फाइनलाइज कर दिया है। मैं एक बार आपको साइड से और पीछे से भी दिखा देता हूँ, आप बालों की मर्जिंग देख सकते हैं। सो एक बार पवन जी से फीडबैक ले लेते हैं कि उनका पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। जी बिल्कुल सर, मुझे जो चाहिए था, मुझे डेंसिटी चाहिए थी जो, वो मुझे इस लुक में मिल गया है। ठीक है, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ। और आप लोग से भी आग्रह करूँगा, अगर कोई हैं जिनको की प्रॉब्लम है हेयर लॉस की, तो प्लीज़ आके विज़िट कीजिए। इनकी सर्विस बहुत ही उम्दा है, कोई टेंशन नहीं, कोई वो नहीं, आप आके यहाँ पे सर्विस बिल्कुल ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड गाइज, दो तीन कॉमन डाउट्स हैं जो पैच से रिलेटेड व्यूअर्स के माइंड में आते हैं। सबसे पहला तो ये कि क्या ये पैच निकलता तो नहीं है अगर किसी का हाथ लग जाए, या जितनी भी डे टू डे की एक्टिविटीज़ हैं जैसे बेदिंग, वर्कआउट, हेलमेट लगाना, ये सारी चीज़ें आपकी डे टू डे की जैसी चलती है वैसी ही चलती रहेंगी। आपने बस हमारे पास 20-25 दिन में अपनी मंथली सर्विस के लिए आना है। अगर आप सर्विस के लिए नहीं भी आ सकते, जैसे बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास दिल्ली के बाहर से भी आते हैं, तो उसमें सेल्फ सर्विस का भी ऑप्शन है, आप घर पे खुद भी सर्विस कर सकते हैं। आपको जो भी सामान की रिक्वायरमेंट होगी या जो भी प्रोसीजर होगा, उसके हमने वीडियोस भी बना रखी हैं और हम आपको यहाँ पे समझा के भी भेजेंगे। दूसरा इसमें कॉमन डाउट आता है जैसे साइड इफ़ेक्ट का, तो इसका प्रोसीजर का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सबसे नॉन सर्जिकल चीज़ है। और जितने भी हेयर लॉस ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशन वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, उन सबसे ये सबसे सेफ ऑप्शन ये है। तीसरा इसमें रहता है प्राइसिंग, तो प्राइसिंग हमारे पास 10,000 से स्टार्ट है, बाकी 15, 20, 25, 30 अलग अलग रेंज है प्राइस की। पैचेस की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, बेस का मटेरियल और बालों की क्वालिटी का मटेरियल, ये पैचेस में प्राइसिंग डिसाइड करती है। सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पवन जी का लुक अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चेहरे के साथ। थैंक यू सो मच।